वैसे तुम्हें क्या पता कि फैमिली क्या होती है, तुम तो अनाथ हो। चेतना जी को पता चल गया है कि सैम घर से भाग गया है। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, समझ बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, आपका कंप्यूटर तो बड़ा पतला है, तार भी नहीं है। ये लैपटॉप है, वायरलेस होता है। अच्छा, सैम भैया आप क्या कर रहे हो? तुझे क्या नन्ही परी, अप्सरा जा खेल, तेरे तो खेलने खाने के दिन है, जा हवा से बातें कर, सूरज से खेल। मैं अपने और दादी के अमेरिका के टिकट बुक कर रहा हूँ। क्या आप हमारी चेतना आंटी को ले जा रहे हो? ऐसे मत करो सैम भैया, मैं आपकी चीज को नहीं छूंगी, माता रानी की कसम। दादी मेरे साथ ही जा रही हैं। तो तुम भी यहाँ हमारे साथ रह जाओ। तुम लोगों के साथ नेवर। क्यों, पर हम तो बहुत अच्छे बच्चे। पता तुम्हारी ये बहन क्या है? ट्रेटर, वो क्या बोलते उसे, चुगली करने वाली। हाँ, अगर हमें पहले पता होता कि तुम चेतना आंटी को अपने साथ लेके जा रहे हो तो मैं चेतना आंटी को पहले बता देता कि तुम आओ। यू एक मिनट, अरे तू टेंशन मत ले, बैठ जा बेटा बैठ। तुम लोग जाओ कमरे में, अपना काम करो। आई ना समझ में? आ बैठ के अपना काम करो। जब से चेतना जी यहाँ से आए हैं ना, तुम लोग बहुत बदल गए हो। बहुत हंसते हो ना मुझ पे, बहुत खिल्ली उड़ाते हो ना, ताने कसते हो, मजाक उड़ाते हो मेरा। पर कोई बात, जितना मजा तुम लोगों को आता है ना मेरी खिल्ली उड़ाने में, उसे कई ज्यादा मजा मुझे आएगा। और जितना बुरा हाल तुम लोगों ने मेरा किया है ना, उसे कई ज्यादा बुरा हाल मैं तुम लोग के करने वाली। तुम लोग को ऐसे लग रहा है ना कि एक के किए की सजा सबको क्यों मिलनी चाहिए, लग रहा है ना? बात तो तुम्हारी सही है, मेरे इस हाल की जिम्मेदार एक है और उसका मैं जो हाल करूंगी कि तुम लोग को भी रोना आ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें रोना आने वाला है सबको, क्योंकि देव की मासी वापस से संस्कार की रानी बन जाऊंगी। बेफिक्र रहो, टिकट हो गए? हाँ, कल रात को हुए। अरे 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 अरे, शुभ काम में देरी क्यों, जाइए जाइए, शौक से जाइए। और पैकिंग वैकिंग हो गई? बोरे तो हम बोरिया बिस्तर आपकी पैकिंग कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं कर लूंगा। अच्छा,
और मेरा सामान ना दादी के कॉटेज में रखवा देना। मैं इस क्रैम्ड अप ग्रुप में नहीं रह सकता। अरे सही बात है, क्यों रहेंगे आप? सैम बाबा आप दादी के पोते हैं, हम गार्ड से कहवा देते आपका सारा सामान वहाँ पे हम शिफ्ट कर देते। आइए आइए आइए, चलिए। आप थोड़ी लावारिस हैं। इन लोगों की तरह। ए गार्ड, सामान निकालो साहब का। रोज इरा और चुटकी को ऐसे ले जाओ, इन्हें इन सबसे दूर रखना ही अच्छा है। ये मासी तो चेतना आंटी के जाते ही अपन लोग की पुंगी भर जाने वाली है। अपन को तो अभी से डर लग रहा है बिडू। मुझे तो डर ईशा के लिए लग रहा है, क्योंकि देवकी मासी ने इसी से बदला लेने की बात की थी। नहीं, ईशा को कुछ नहीं होगा। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। यस दादी, आई डिड इट। मैं आपको यहाँ वापस ले जाने के लिए आया था, और सी फाइनली हम लोग वापस जा रहे। बस डे आफ्टर टुमारो और हम लोग यूएस में होंगे अपने घर पे। जा। अरे हाँ बाबा, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन एक और दिन है अभी। तब तक तू जरा आराम कर, चैन की सांस ले और मुझसे बात कर। मुझे बता, तू यूएस से यहाँ अकेला आया, तुझे डर नहीं लगा? ओ कम ऑन दादी, डर कैसा? पता है आप नहीं थे तो आई फील सो बोर्ड, और उस ऑफुल समर कैंप से अच्छा तो मैं यहाँ आ जाता। तो मैंने तय किया एनी हाउ मुझे आपके पास आना है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरे मॉम डैड भी तो है वहाँ, उनसे बात तो कर सकता था। मॉम डैड वो लोग कभी सुनते हैं क्या मेरी? एक आप ही हो जो मेरे लिए टाइम निकालते हो। पता है उनके पास तो मेरे साथ बैठ के खाना खाने तक के लिए टाइम नहीं है। कई दिन हो जाते उनके फेस देखे हुए। नहीं दादी, आप ही मेरी फैमिली हो। इतना प्यार करता है अपनी दादी से, तभी तो यूएस से यहाँ आया हूँ आपको वापस ले जाने के लिए। मेरा बच्चा। बस बस दादी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ, बहुत बड़ा हो गया है। तो क्या अपनी दादी को हक भी नहीं देगा? बस ओके, अब जल्दी से अपना पासपोर्ट दीजिए, मुझे टिकट पे आपका पासपोर्ट नंबर डालना है। देती हूँ बाबा, देती हूँ। ये लो बाबा मेरा पासपोर्ट। हे गार्ड जी, मेरा लैपटॉप कहाँ है? आपका सामान तो बस इतना ही था, ऐसा कोई चीज तो नहीं देखी हम। अरे वहीं पे तो रखा था। यू गाइज आर सो केयरलेस। साहब जितना सामान था वो लाए। मैं अभी जाके देखता हूँ। हटो, यहीं पे तो रखा था मैंने। यहाँ पर तो सिर्फ आपका बैग था और कुछ नहीं था। समर्थ यहीं कहीं होगा, ठीक से देख लो, मिल जाएगा। नहीं है दादी, यहीं पे रखा था मैंने और यहीं से किसी ने उठाया है। क्या हुआ है? क्या जी, किसने क्या क्या उठाया है? इसका लैपटॉप मिल नहीं रहा। होगा किसी ने देखा है, लेकिन हम भी ढूंढने में मदद करते। यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। उस लैपटॉप में मेरी और दादी की टिकट की सारी डिटेल थी। अगर वो नहीं मिला तो हम लोग कल नहीं जा पाएंगे, और वो तो लास्ट टिकट थी।
इससे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लैपटॉप को जरूर मिलना चाहिए। जरूर मुझसे बचने के लिए इन्हीं बच्चों ने। चेतना जी, जरूर इन बच्चों ने ये लैपटॉप चोरी की होगी। देवकी, कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बकवास नहीं कर रही मैडम जी। अरे सोचिए तो, इनके अलावा है ही कौन? महंगी चीज छूने की बात तो दूर, उन्होंने आंखों से नहीं देखी है। देवकी मासी, हमें दोष क्यों दे रहे हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? और हमें लैपटॉप का क्या कहूं? वो इतनी छोटी चीज भी नहीं है कि आसानी से छुपाया जा सके। ओए होए होए हरिश्चंद्र सत्यवादी। अच्छा, बहुत सत्यवादी है ना, तो मैं भी चैलेंज करती हूँ। चलो तलाशी ले लो इनके सब सामान की। नहीं देवकी, ये सही नहीं है। अरे मैडम जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है ये कैसे कैसे बच्चे कहाँ कहाँ से आए? और इन सब की अगर मैं स्टोरी बताऊं ना, पूरा दिन चला जाएगा। कहाँ कहाँ से आए, कैसे कैसे बच्चे, फुल बदमाश। हाँ दादी, ये सही कह रही हैं। और कौन चुरा सकता है? मैं तो कहता हूँ दादी, इन सबको चेक कीजिए। गार्ड, क्या मुंह देख रहा है खड़ा है तू? जा चेक कर। कोई तलाशी नहीं होगी। देवकी, इन बच्चों ने जो भी किया है यहां आने से पहले, यहां आश्रम में आने के बाद, ये सब मेरे अपने बच्चों की तरह है। जैसा समर्थ वैसे ये सारे बच्चे, और मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। इन्हें सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए, किसी और के खिलौने नहीं चाहिए महंगे वाले। तलाशी ले लेने दीजिए इन्हें, तभी इनका शक दूर होगा। तलाशी लेने के बाद ही इन्हें सुकून मिलेगा। देखा देवकी, ये सीखा इन बच्चों ने वृंदा और ईशा से। ईशा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन यहां के बच्चों पर उंगली उठाना मतलब मुझ पर उंगली उठाना। देवकी, तुम ये ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? और समर्थ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। सॉरी दादी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी मुझे नहीं, इन सब बच्चों से कहो। सैम, कहना चाहिए, मैंने छुपाया था तुम्हारा लैपटॉप। ये लैपटॉप मिल गया। चेतना जी, मैंने आपको बताया ना। चेतना जी, मैं आपसे ज्यादा रह चुकी हूँ ना इन बच्चों के साथ, इसलिए मैं इनको आपसे ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। चोर? चुराया ना तूने लैपटॉप? देवकी, पहले मैं टीनू से ये सुनना चाहती हूँ कि उसने ये ऐसा क्यों किया, बोल। चेतना आंटी, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, मैं तो बस
मत कहो ना आंटी, कोई जरूरत नहीं सफाई देने की। मैं जब से आया हूं तब से तुम मेरे अगेंस्ट हो। जब भी कोई बात होती है हमेशा लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे, और कुछ नहीं मिला तो चोरी कर ली। शुरू से आई हेटेड यू, और अब तो और ज्यादा करने लगा हूं। मेरी दादी ने तुम्हें बच्चों की तरह पाला, और उनके काइंडनेस के बदले में तुमने क्या दिया? हाँ बस समर्थ, उसे अपनी बात तो कहने दो, वो अपनी गलती मान रहा है ना। हाँ दादी, क्योंकि ये जानता है कि तलाशी में पकड़े जाने से अच्छा खुद सामने आ जाए। दादी ये लोग आपका गलत फायदा उठा रहे, ये लोग चोर थे, चोर हैं और चोर ही रहेंगे। और क्या चुराने का प्लान था? हाँ क्या चुराने वाला था? अरे मैं चोर नहीं हूं। छोड़ो, क्या कर रहा है? मत रुक जा। अरे छोड़ो बस, चलो सबर मेरे लिए बस करो। अरे छोड़ो, तेनू तेनू छोड़। Now what is this gong for? मतलब फिर से किसी ने अनाथालय के बाहर कोई बच्चा छोड़ दिया। ये बेबी यहां क्या कर रहा है, और वो भी अकेला? बेटा कोई इसे यहां छोड़ के गया होगा, या तो ये भी अनाथ है, या फिर इसके मां बाप इसे पाल नहीं सकते। ऐसा कई बार होता है, इसलिए तो हमने यहाँ इतनी बड़ी बेल लगाई है, ताकि इन बच्चों को यहाँ अनाथ आश्रम के बाहर अकेला ना रहना पड़े। बेचारी बच्ची, इसे बहुत भूख लगी होगी। हाँ हाँ चलो इसे जल्दी से अंदर ले चलो। चलो अच्छा बेटा ये लो। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना चाचा? नहीं गुनगुना है। क्या रख दीजिए? अरे ईशा, छोटे बच्चों के बारे में तुम बहुत कुछ जानती हो, कहाँ से सीखा ये सब? वो जब हीरा पैदा हुई थी तब मान नहीं रही, मैंने तो बड़ा किया हीरा को। तो अब तुम इसे भी बड़ा करोगे, मुझसे ज्यादा प्यार करोगे? नहीं हीरा, अब तो तुम भी बड़ी हो गए हो, हम दोनों मिलकर इसे बड़ा करेंगे। जैसे मैं तेरी छोटी बहन, वैसे ये हम दोनों की नई छोटी बहन। लेकिन दादी, कोई कैसे अपने बच्चे को बाहर छोड़ के जा सकता है? होगी कोई मजबूरी, मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ, मैंने ऐसा कई बार देखा है। यानी और भी लोग ऐसे ही करते हैं? हम में से आधे बच्चे इसी तरह आए हैं। जब भी कोई नया बच्चा आता है हमें आशा होती है कि कोई परिवार आए
और इसे गोद ले ले। पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद हमारी किस्मत यही थी। पर पता नहीं इस बच्चे की किस्मत कहाँ है। इसकी किस्मत में एक बहुत अच्छा सा परिवार होगा जो इसे बहुत प्यार करेगा, और मैं ये करके रहूंगी। सॉरी समर्थ, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं चल सकती।